नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस दिन केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट ओपन होने वाले हैं, क्या वो डेट होगी, क्या वो दिन होगा। इसके अलावा गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट कब ओपन होंगे, वो क्या डेट होगी, आज आपको सब कुछ इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सभी लोगों को, सभी भक्तों को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि किस दिन केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट ओपन होंगे, किस दिन कपाट खुलेंगे। मोस्टली जो यात्री हैं, जो भक्त हैं, उनका सपना होता है इन दोनों धामों के दर्शन करना। वैसे तो चारों धाम ही बहुत पवित्र है, बहुत सुंदर है। मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो इस बार पहले से जल्दी यात्रा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं केदारनाथ धाम और चार धाम यात्रा के। तो जो लोग 2023 में चार धाम और बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो बात करते हैं 2023 में किस डेट में, किस दिन में कपाट ओपन होंगे केदारनाथ धाम के और बाकी तीनों धामों के। तो हर साल अक्षय तृतीया के दिन चार धाम यात्रा शुरू कर दी जाती है, स्टार्ट कर दी जाती है, ये फिक्स है हर साल। इसी दिन चार धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू कर दी जाएगी उत्तराखंड में। इस साल 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल की है, दिन यानी शनिवार सैटरडे। तो इस साल 22 अप्रैल को पूरी तरह से चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, इसके बाद आप यात्रा कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की, तो हर साल केदारनाथ धाम के कपाट किस दिन ओपन होंगे, किस दिन खोले जाएंगे, उसकी डेट महाशिवरात्रि के दिन बताई जाती है, अनाउंस की जाती है। तो इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी की है, तो इस दिन केदारनाथ धाम के कपाट ओपनिंग डेट बताई जाएगी कि किस दिन केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या वो डेट होगी जब केदारनाथ धाम के कपाट ओपन होंगे, जिससे आप अभी से प्लानिंग कर सको, बुकिंग वगैरह सब कुछ कर सको। तो इस साल 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल की है, चार धाम यात्रा 22 अप्रैल को शुरू की जा रही है, दिन शनिवार सैटरडे है। हर साल अक्षय तृतीया के 3 से 4 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं विधि विधान के साथ। तो इस साल 24, 25 या फिर 26 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट ओपन हो सकते हैं, खोले जा सकते हैं। तो जो लोग इस साल 2023 में केदारनाथ धाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो 24, 25 या फिर 26 अप्रैल के आसपास का प्लान बना सकते हैं। लेकिन जो लोग कम क्राउड में, कम भीड़ भाड़ के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, वो अप्रैल में ना जाएं, उसके बाद जाएं। बट उनके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो फिर हम कब जाएं, जिससे हमको भीड़ भाड़ कम मिले, क्राउड कम मिले और बाबा केदारनाथ के अच्छे से दर्शन हो जाए। तो इस टॉपिक पर भी मैं जल्दी ही एक बढ़िया सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। वैसे तो इस पवित्र स्थल पर हमेशा ही भीड़ होती है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप कम क्राउड के साथ भी दर्शन कर सकते हो। तो इस पर पूरा एक मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। तो जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, व्लॉग्स एंड बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो किस बात का वेट कर रहे हो, दबाओ रेड कलर का बटन और कर दो सब्सक्राइब आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सभी अपडेट्स मिलने वाली है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ आपको पोस्ट, रील्स एंड बहुत कुछ मिलने वाला है। साथ ही किसी अदर इंक्वायरीज के लिए आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर एंड सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब ओपन होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग, जो यात्री केदारनाथ धाम यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो लोग जिस दिन बाबा केदारनाथ के कपाट ओपन हो जाते हैं 24, 25 या फिर 26 अप्रैल को, तो उससे ठीक 15 दिन पहले आप हेलीकॉप्टर बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन। लेकिन इस साल हेलीकॉप्टर बुकिंग के क्या रेट्स होंगे, क्या प्राइस होंगे, ऐसा कुछ भी अपडेट सामने नहीं आया है। जैसे ही उत्तराखंड गवर्नमेंट कोई अपडेट देती है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो आते हैं फिर
कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब ओपन होंगे। तो जैसे केदारनाथ धाम का फिक्स है कि हर साल महाशिवरात्रि वाले दिन केदारनाथ धाम के कपाट ओपनिंग डेट बताई जाएगी, उसी तरह से बद्रीनाथ धाम के कपाट ओपनिंग डेट हर साल बसंत पंचमी वाले दिन बताई जाती है। तो इस साल बसंत पंचमी कब की है? 26 जनवरी, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे। तो इसी दिन बद्रीनाथ धाम की कपाट ओपनिंग डेट की, कब बद्रीनाथ धाम के कपाट ओपन होंगे उसकी डेट अनाउंस की जाएगी, बताई जाएगी। और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता देता हूँ कि चार धाम यात्रा के कपाट ओपनिंग डेट कहाँ से अनाउंस की जाती है। नरेंद्र नगर में बना राजभवन, वहाँ मीटिंग होती है और सभी विधि विधान के साथ कपाट ओपनिंग डेट मुहूर्त के साथ निकाल दी जाती है, उसके बाद ही वो अनाउंस की जाती है। और बद्रीनाथ धाम के भी कपाट अक्षय तृतीया के 3 से 4 दिन बाद ओपन कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। इट मीन्स कि 24, 25 या फिर 26 अप्रैल को ही बद्रीनाथ धाम की भी कपाट ओपन होने वाले हैं। बट फिर भी एग्जैक्ट डेट क्या होगी वो जैसे ही अनाउंस की जाती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और हाँ, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको केदारनाथ धाम और चार धाम से रिलेटेड मिलने वाली है। लाइक जिन्होंने अभी तक केदारनाथ यात्रा नहीं करी वो 2023 में किस तरह से प्लानिंग करे, 2023 में कम से कम बजट में आप किस तरह से केदारनाथ यात्रा कर सकते हो, और भी कुछ ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस आपको इन फ्यूचर हमारे चैनल पे मिलने वाली है। तो बने रहें आप हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहें। हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।